आप सब लॉन्ग टाइम बाद आपसे मिल रही हूँ, और काफी सारे रीजन से ब्लॉग ना बनाने की, तो फिर बहुत टाइम बाद हो गया, तो मैंने आज सोचा कि आज ब्लॉग बना ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा ब्लॉगिंग के लिए भी और आपसे मिलने के लिए। तो आज है राखी। राखी कुछ लोगों ने कल बनाई है, कुछ लोगों ने आज बना रहे हैं, कन्फ्यूजन है, बट मैं आज बना रही हूँ 31st को। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:10। मैं उठी थोड़ी पहले से हूँ, नहा वहा लिया है, सेवैयाँ मेरी बन गई हैं, पनीर मैंने काट कूट के रखा हुआ है, पर ये डाउट लग रहा है कि ये ख़राब है, मतलब मुझे थोड़ी सी स्मेल आ रही है, तो हस्बैंड से पूछूंगी ख़राब वाकई भी है कि नहीं है, तो मतलब ठीक से आइडिया लग जाता है कि मतलब मेरा क्या पता मैं गलत हूँ, तो उनसे पूछ लूँगी, नहीं तो फेंकना पड़ेगा और मैं कुछ और सब्जी बनाऊँगी। चलिए, तो खाना वाना मैंने बनाती रहूंगी, तो अभी फिलहाल मैंने ये राखी की पूरी तैयारी कर ली है, देखिए। और ये है, यहाँ पे कुछ राखी मिठाई वगैरह रखे हैं, ये मेरी बेटी का गिफ्ट है। और तो अभी आज ट्रेजेडी ये है कि मतलब बहुत सुबह सुबह तो राखी बांधनी है 7 बजे से पहले, और ऊपर से मेरे हस्बैंड को ना आज जाना है बैंगलोर सुबह सुबह ही, उनकी 6 बजे की, 5:30 बजे निकल जाएंगे, 8 बजे की फ्लाइट है मेरी, तो यहाँ से जाने में लगेगा 1-2 घंटा के आसपास, तो वो ये जल्दी उनके लिए भी करना है, जल्दी बच्चों के लिए भी करना है, और मुहूर्त भी जल्दी ही है, मतलब बहुत जल्दी हो रहा है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो कोशिश कर रही हूँ। तो मैं तो अभी रेडी हो गई हूँ, मैं भी तैयार हो गई हूँ, अब जा रही हूँ बेटी को उठाने, और उसको थोड़ा कपड़े उपड़े पहना दूँ, फिर मेरे हस्बैंड उठेंगे, उनको भी जाना है जल्दी, तो नहा वहा के वो रेडी होंगे, तो मेरी बेटी उनको भी राखी बांध देगी, मेरी बेटी उनको भी बांधती है, और बहन की बहन का भी राखी बांधना है, तो मतलब उन मेरे हस्बैंड को भी राखी बांध देंगे, और फिर मेरे बेटे का भी। तो सबसे पहले मैं उनको उठा के रेडी वेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए, अभी ये रेडी कर दिया मैंने इसको फटाक से, आप सब देखिए कैसी लग रही है। हेलो, बोलो। हैप्पी रक्षाबंधन, बोलो हैप्पी रक्षाबंधन। अभी पहले जा रही है लड्डू गोपाल को राखी बांधने, फटाक से टाइम है तो फटाक बोले ना, हम लड्डू गोपाल को राखी बांधते हैं, लड्डू गोपाल को उठा के लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर हो? हाथ पे रखती, ठीक है? हाँ हाँ लड्डू टीका लगाओ, टीका लगाओ। ये चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो थोड़ा सा, चावल ये वाला राखी है ना, इनके पे ऐसे ही रख दो, ऐसे कर दो, गोल कर दो, बोलो भैया मेरी रक्षा करना, बोलो भैया मेरी रक्षा करना। भैया मेरी रक्षा करना, हाँ मिठाई खिला दो थोड़ा सा, थोड़ा सा मिठाई खा लो मिठाई, अब चलो आरती दिखाइए मुझे, आई बेटा। ये बेटी का झुमका के नीचे तक है, ये पूरा साउथ इंडियन लुक है, बीच में नॉर्थ इंडियन चुटकी डाल रही है। अरे मेरे बेटा, ए बेटा बेटा, चटनी चावल गिरा दिए, देखो ये तो आधा तो बर्बाद ही कर रहा है, ये मेरा बेटा। खड़े दोनों खड़े हो जाना, चलो अब एक बार फोटो सेशन करते हैं। मैंने सोचा पता पहले तुम भी बैठ जाओ, इसको भी बैठ, वीडियो बनाने थे, फोटोज लेने थे, मैंने ले लिया अभी, तो रुको ना, इधर देखो दिया कर, देखो कुछ आ नहीं, तो झूठ बट तू आगे से वो हाथ जोड़ रहे हैं, हट जा रही तू, हट जा रही, जय जय।
ये हो गई बेटा, ये ठीक है। मेरा फोन दे, मेरा फोन दे, वहाँ पे चार्ज कर दे। मेरे हस्बैंड चले गए, उनको जहाँ तक फ्लाइट पकड़ ली तो उनकी गाड़ी आ चुकी थी, तो वो रखता क्योंकि बनवा के चले गए। फिर मेरी बेटी थोड़ी मस्ती कर रही थी, डांस वांस कर रही थी, तो मैं सोचा भी कर रही। फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को राखी बांधना भूल गई कि मतलब मैं भी बांध देती हूँ राखी, मैं बांधती हूँ पिछली बार जब भी हुई, जब से हुई है बांधती हूँ मैं उसको राखी। तो फिर मैंने सोचा अब इसको आराम से कुछ की को राखी बांधते हैं। फिर मैंने इसको टीका वगैरह लगाया और उसको राखी बांधी। और फिर उसके बाद मेरी बहन की बेटी मतलब मेरी पीहू ने राखी भेजी थी पुचके के लिए मेरे बेटे के लिए, तो वो भी राखी बंधवानी थी। तो पहले बेटी को राखी वाखी बांध के अपने बेटे को भी राखी बंधूंगी और मैं उसको फूल वूल चढ़ा के ऐसी मतलब थोड़ा फन वे में कर रही थी। तो बच्चा है तो खुश होगा थोड़ा सा, माता रानी ये होकर उसको एक्चुअली माता रानी बनने का बड़ा शौक है, तो इसीलिए फूल वूल चढ़ा के थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ। तो उसको अच्छा लग रहा है कि मेरी मम्मी मेरे को पूजा कर रही है मेरी, ऐसा लग रहा है उसको। और ये बीच बीच में मेरा बेटा तो
परेशान करते हैं, बाप रे बाप, राखी बंधवाते टाइम भी इसने इतना रोया है, इतना रोया है, मतलब ऐन वक्त पे रोने लगता है, बर्थडे हो या कुछ भी हो इसका रोना चालू ही रहता है। एक तो काफ़ी समय बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, उसमें भी मेरा बेटा परेशान करता है, बहुत मुश्किल होती है हैंडल करना इसको, और मेरी बेटी खुश हो रही है कि मेरी आरती उतारी जा रही है। ये वाला है बुआ, और ये इसकी बुआ की राखी थी जो बांधना भूल गए थे, तो उसकी बुआ की राखी मैंने बांध दी इसके हाथ पे, उसकी बुआ ने भी इसके लिए राखी भेजी थी। ये बीच बीच मेरे बेटा परेशान करते हुए, मिठाई नहीं खाती, मतलब उसको वो मिठाई क्या कोई आइटम ही नहीं खाती, मैंने खा लो खा लो मिठाई है प्रसाद है, वैसे डरा धमका के उसको थोड़ा सा खिलाया मैंने। चुटकू को बिठाया जब पिन्हाया था कैसे हो गया कैसे, और उसके बटन खोल इसके पापा ने और इसको हीरो बना दिया, जिसको राखी वाखी बांधी इसकी दीदी से, इसकी बहन ने राखी से जी, तो बांधना तो बनता ही है। ये वाला है इसकी पीयू दीदी ने राखी भेजी है, ये राखी कौन है अभी उसकी उसको बांधेगी अगली अगली में, नहीं बांधा तू ही बांध दे। बनेगा ही चाहे कोई हो या ना हो, कोई आए नहीं, ये हम लेके जाएंगे ना बाहर रितु के घर, रितु के घर आंटी का पार्लर है। गजरा लगा के दिखा, गजरा दिखा पीछे से। अब सब कुछ हो गया, राखी वाखी बांध ली, तो मेरी बेटी मस्ती कर रही थी तो मैंने भी सोचा चलो अब थोड़ा सा आराम आराम कर लेते हैं, ये लोग अपना मस्ती करते रहेंगे, इनको भी थोड़ा लेटाऊंगी बाद में शाम को कह रही हूँ सॉरी 7 बजे फिर बगल में जाऊंगी, राखी वाखी बंधवा के फिर उनका कपड़ों को चेंज कर दूंगी, तो आप लोग भी आराम जा, 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 हैप्पी रक्षाबंधन।